नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। 31 जनवरी से 7 फरवरी तक अन्नपूर्णा मंदिर पर 8 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। मंगलवार को शत चंडी महायज्ञ में पूर्णाहुति और भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। नवनिर्मित अन्नपूर्णा मंदिर अन्नपूर्णा रोड पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की पूर्णाहुति सुबह 11 बजे हुई। इसमें शतचंडी महायज्ञ में विद्वान पंडितों के सानिध्य में सुबह 9:30 बजे से पूर्णाहुति हुई। यज्ञ नासिक और बनारस से आए विद्वानों के सानिध्य में हुआ। इस दौरान यज्ञ की परिक्रमा और नवनिर्मित मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। तो इतने भाव विभोर हैं, इतने आह्लादित हैं। 31 जनवरी से जो अनुष्ठान शुरू हुआ, ये तो एक मर्यादा है यज्ञ की। तो आज पूर्णाहुति हुई है यहाँ माँ के, यहाँ तो रोज ही यज्ञ होता है। 365 दिन यहाँ ऐसे ही पवित्र उत्सव और कार्य चलते रहते हैं। और खुशी की बात यह है कि भव्य जब नए मंदिर में माँ विराजमान हुई है, लाखों लाख यहाँ भक्त लोग इसका आनंद ले रहे हैं, यही हमारे लिए परम हर्ष का विषय है। माहिल्या की नगरी में आज माहिल्या के आशीर्वाद से ये सब संपन्न हो पाया, ऐसा हमारा मानना है। पुण्य कार्य में आप 7 दिन तक लगे रहे और जो आनंद मिला है। देखिए, मैंने पहले ही बोल रहा हूँ कि हम तो इतने भाव विभोर है, कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं है, बहुत भाव में है। यहाँ पे जो भी कुछ हुआ, लोगों को ये मतलब भक्ति की शक्ति और शक्ति की भक्ति का एहसास हुआ कि निर्विघ्न इतना संपन्न होना बहुत बड़ी एक क्या कामना कर रहे हैं माता जी। माँ हमको सद्बुद्धि दे, अच्छे रास्ते पे चलाए और कभी भी अहम नहीं आए और हम अपने कर्तव्य पथ पे चलते रहें, यही माँ से प्रार्थना करते हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और